बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एकोमोडेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को एकोमोडेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुश्किल पेश आ रही थी, तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मैं आपको हर एंट्री स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन में या एकोमोडेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसको बआसानी सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 22 को हम सॉल्व करेंगे जिसमें आपकी तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं एकोमोडेशन से रिलेटेड वो कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास, फॉर देयर म्यूचुअल एकोमोडेशन फिदा एक्सेप्ट अ बिल ऑन 1 मार्च 2005 ड्रॉन ऑन हिम बाय अकील फॉर ₹12,000। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अकील ड्रा है और फिदा जो है वो ड्राई है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखता है किसी दूसरे के नाम तो उसको ड्रार कहते हैं, और जिसके नाम लिखा जाता है उसको ड्राई कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास 8 3 months द बिल वॉज डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम एंड द प्रोसीड्स वर शेयर्ड इक्वली। अकील ने फिदा के नाम ₹12,000 का एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा और फिदा को दिया कि आप उसको एक्सेप्ट करें। फिदा ने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया और अकील को वापस रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है अकील के पास, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक के साथ 10% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट कर दिया। क्लियर, अब जब हमेशा याद रखिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास सबसे पहली एंट्री होती है एक्सेप्टेंस रिसीव और एक्सेप्टेंस गिवन की। जैसे फिदा ने एक्सेप्टेंस गिवन उसको एक्सेप्टेंस दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कि हाँ भाई मैं आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और अकील ने उसको उससे एक्सेप्टेंस ली, हमारे पास सबसे पहली एंट्री ये आएगी। फिर हमारे पास दूसरी आएगी डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, जो बैंक के साथ डिस्काउंट किया गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। रिक्वायरमेंट में है हमारे पास गिव जर्नल एंट्रीज एंड अकील्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फिदा। मतलब यह है कि फिदा का हमने जर्नल बनाना है, फिदा के अकाउंट में जर्नल एंट्रीज करनी है, और उन एंट्रीज में से अकील का अकाउंट फिर हमने बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ड्राई है उसके अकाउंट में जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं फिदा अकाउंट, फिदा का अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। अब देखिए फिदा ने उसको एक्सेप्टेंस दी, तो यहाँ पर हमारे पास अकील डेबिट हो जाएगा एंड टू बिल्स पेएबल उसकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई ₹12,000, और अकील को पे करने इसलिए हम यहाँ पर अकील को डेबिट कर रहे हैं। क्लियर, नरेशन आपने यहाँ पर लिखनी है बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया अकील ने, क्योंकि अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है अकील के पास, तो जब वो डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट की एंट्री अकील अपने अकाउंट में करेगा। ठीक है, अब अकील अपनी बुक्स में करेगा, फिदा तो नहीं करेगा क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज फिदा के पास तो नहीं है, पैसे मिलेंगे तो अकील को मिलेंगे, तो इसलिए डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर करेगा अकील, फिदा ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट दिया गया है एंड द प्रोसीड्स वर शेयर्ड इक्वली, और जो उसको डिस्काउंट के पैसे मिले उन्होंने आपस में इक्वली शेयर कर दिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि अकील को कितने पैसे मिले और उसने फिदा को कितने पैसे फिर दिए। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास अकील अकाउंट है, अकील की बुक में हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके देखते हैं कि उसको कितने पैसे मिले। बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसने डिस्काउंट किया बैंक के साथ, तो यहाँ पर बैंक को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब भी डिस्काउंट की एंट्री आएगी तो हमने बैंक को डेबिट करने, क्योंकि बैंक अकाउंट में उसके पैसे आते हैं, बैंक डायरेक्टली पैसे नहीं देता।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एंट्री आएगी डिस्काउंट की, 10% की परसेंटेज जो हमें दी गई है डिस्काउंट। और टू फर्स्ट एंट्री में अकील के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ था, इसलिए बिल्स रिसीवेबल वहाँ पर डेबिट हुआ था। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज उससे चला गया है, तो इसलिए बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 12,000 रुपीज़। 12,000 में से हमने यहाँ पर 10% डिस्काउंट निकाल लेना है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 हमने किया, तो हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट की अमाउंट आई 1,200। लेकिन ये हमारा पर एनम के हिसाब से है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रा किया गया है 3 मंथ्स के लिए, और जो हमें 10% डिस्काउंट दिया गया है वो है पर एनम का। तो हर साल में 12 महीने होते हैं और हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 3 मंथ्स के लिए, तो जो 10% है हमने 3 मंथ्स के लिए चार्ज करना है, 12 मंथ्स के लिए नहीं करना। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट की अमाउंट आएगी 300 यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 12,000 में से 300 हमने माइनस कर देना है, हमारे पास यहाँ पर बैंक में अमाउंट आएगी 11,700 जो अकील को एक्चुअल में अमाउंट मिली है, उस पर डिस्काउंट जो वो पे कर रहा है वो 300 है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्चुअल अमाउंट जो है वो 12,000 है। क्लियर? अब देखिए वो कह रहा है कि जो अमाउंट उसको मिली है वो उन्होंने आपस में इक्वली शेयर कर दी, तो ये अमाउंट अब इसने अकील ने फिदा को सेंड करनी है। तो अकील के फिदा के पास अमाउंट आएगी बैंक में, तो बैंक हो जाएगा डेबिट बैंक अकाउंट, देन डिस्काउंट इसको भी पे करना होगा डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि अमाउंट जब इक्वली शेयर हो रही है तो डिस्काउंट भी इक्वली शेयर होगा। और यहाँ पर हमने टू किसको क्रेडिट कर देना है, अकील अकाउंट को, क्योंकि अकील से पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अकील डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा अकील अकाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की 12,000, तो जब ये इसको हमने हाफ कर देना है तो हमारे पास अमाउंट आएगी 6,000। आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं या आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो डिस्काउंट है वो भी इक्वली शेयर हो रहा है, तो 300 को जब हम 200 में बांटेंगे हमारे पास अमाउंट आएगी 150 और बैंक है 11,700। 11,700 को भी हमने इक्वली इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 5,850। इन दोनों को हमने ऐड करना है, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 6,000। ठीक है, इसकी भी आपने नरेशन यहाँ पर लिखनी है। आपने यहाँ पर लिखना है इसकी नरेशन बीइंग हाफ प्रोसीड रिसीव। मैं टाइम की बचत के लिए यहाँ पर नरेशन नहीं लिख रहा, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, तो आपने खुद लिखते जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पर ऑन 1st अप्रैल 2005 फिदर ड्रॉ अ बिल फॉर ₹18,000 ऑन अकील एट 3 मंथ्स फॉर द सेम पर्पज। अकील एक्सेप्टेड द बिल, फिदर गोट द बिल डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम एंड द प्रोसीड्स वर शेयर्ड एज 2/3 टू फिदा एंड 1/3 टू अकील। ठीक है, अब इस दफ़ा फिदा ने अकील के नाम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, तो यहाँ पर फिदा ड्रार होगा और अकील ड्राई है। क्लियर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अमाउंट है 18,000। अब दोबारा एक्सेप्टेंस गिवन और एक्सेप्टेंस रिसीव की सबसे पहले एंट्री होगी, उसके बाद हमारे पास दूसरी एंट्री होगी डिस्काउंट की, एंड थर्ड एंट्री होगी हमारे पास यहाँ पर जब वो बैलेंस को इक्वली आपस में जो परसेंटेज हमें दी गई 2/3 एंड 1/3 जब वो आपस में शेयर करेंगे तो तब इसकी एंट्री होगी। फिदक के अकाउंट में जो एंट्री हमने करनी है वो होगी बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इस दफ़ा फिदा जो है वो ड्रार है, ड्राई नहीं है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर हम डेबिट कर रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू अकील अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अमाउंट है 18,000 एंड 18,000। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड आप यहाँ पर लिख दें,
एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ये इसकी शॉर्ट नरेशन हो गई। क्लियर। अब फिद ने इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करना है, तो एंट्री क्या आएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट, बैंक को डिस्काउंट पे कर रहा है, और यहां पर क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सॉरी बिल्स रिसीवेबल, यहां पर बिल्स रिसीवेबल हमारे पास पड़ा हुआ है, और बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, यहां पर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए डिस्काउंट हमें यहां पर बताया गया है 10%, तो हमने यहां पर 18,000 पर 10% सबसे पहले लेना है, हमारे पास यहां पर डिस्काउंट की अमाउंट आएगी 1800। अब इस पर भी हमने 3% का निकालना है, क्योंकि 10% जो है वो हमें पर एनम का दिया गया है, और हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो है 3 मंथ्स का, तो मल्टीप्लाई बाय 3 / 12 कर देंगे, हमारे पास यहां पर डिस्काउंट आएगा 450। अब देखिए डिस्काउंट के सामने हमने लिख देना है 450, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो एक्चुअल अमाउंट है वो है 18,000, तो 18,000 में से 450 माइनस कर देंगे, हमारे पास अमाउंट आएगी 17,550, और बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है 18,000। ठीक है, यहाँ पर नरेशन आपने लिख देनी है बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट विद बैंक या डिस्काउंट एट 10%। अब नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास होगी वो है कि जो अमाउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंट करने पर फिदा को मिली है वो 1/3 अकील लेगा और 2/3 फिदा लेगा, तो इस अमाउंट का 1/3 अब उसने पे करना है अकील को। ठीक है, तो अकील यहाँ पर उसके पास क्रेडिट हो रहा है, इधर उसके पास डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसको अभी अमाउंट दे दी, अकील अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक के जरिए पैसे जाएंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, एटीन थाउजेंड है हमारे पास, सॉरी ये अमाउंट अब हमने लेनी है 17,550 मल्टीप्लाई बाय 1/3, हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आएगी 5,850, ये होगी हमारी बैंक अमाउंट जो वो बैंक के जरिए रिसीव कर रहा है। अब हमने डिस्काउंट का भी निकालना है, डिस्काउंट है हमारे पास 450 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 450 मल्टीप्लाई बाय 1/3, हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट आएगी 150। तो यहाँ पर अकील के सामने बैंक के सामने हमने लिख देना है 500, 850, और डिस्काउंट के सामने लिख देना है 150, जब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 6,000। आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 18,000 उसमें से 1/3 अकील ले रहा है, तो 1/3 जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 6,000। इसका मतलब यह है कि जो बैंक अमाउंट है और जो डिस्काउंट अमाउंट है वो हमने यहाँ पर ठीक लिखी है। इसकी नरेशन भी आप यहाँ पर खुद लिख देना, बैंक 1/3 प्रोसीड्स लिमिटेड टू अकील। अब नेक्स्ट एंट्री को यहाँ पर देखेंगे, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल फिदा सेंड अ चेक टू अकील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फर्स्ट बिल में जो फिदा के अकाउंट जो उसकी लाइबिलिटी थी वो उसने किसको सेंड कर दी, अकील को। तो अब हमने यहाँ पर एंट्री करनी है जो फिदा ने अकील को बिल चेक दिया अपने अकाउंट्स का, तो अकील यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, अकील अकाउंट टू
बैंक अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर कितना उसने पे करना था, 6,000 रुपीज़। यहाँ पर देखिए इस अकील को जो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है उसकी लाइबिलिटी है, तो अकील को उसने यहाँ से जब लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट कर दिया, 6,000 रुपीज़ डेबिट एंड 6,000 रुपीज़ क्रेडिट, क्योंकि बैंक में पैसे गए हैं। अब इसकी नरेशन आपने यहाँ पर लिख देनी है, अमाउंट सेंड बाय चेक टू अकील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप आपने भी इसी तरह एंट्रीज को करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फिदर सेंड अ चेक टू अकील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ये तो हो गया। ऑन 15 जून 2005 अकील बिकेम इंसॉल्वेंट एंड हिज स्टेट पेड अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन अ रुपी, मतलब 1 रुपये में 50 पैसा उसको मिला जो उसकी लाइबिलिटी थी। मतलब यह है कि उसकी जितनी भी लाइबिलिटी थी उसका 50% रुपीस उसने क्या किया, यहाँ पर फिदा को दिया। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे यहाँ पर एक्सेप्टेंस मेड ऑन मेच्योरिटी की, जो यहाँ पर इसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था 12,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसने 6,000 रुपीज़ अपने दे दिए और जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड था उसमें इन्होंने ये 12,000 रुपीज़ क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो बिल्स पेबल यहाँ पर इसकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अब डिक्रीज हो गई है क्योंकि जो इनकी मेच्योरिटी थी, जो इनका टाइम पीरियड था उसमें उन्होंने 12,000 रुपीज़ पे कर दिए। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्स पेबल क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, 12,000 रुपीज़ एंड 12,000 रुपीज़। यहाँ पर आपने इसकी नरेशन लिख देनी है, बीइंग एक्सेप्टेंस मेड ऑन मेच्योरिटी। एंड अब लास्ट हमारे पास यहाँ पर एंट्री है इंसॉल्वेंसी की। जब भी याद रखिए कि इंसॉल्वेंसी का केस होगा तो आपने इसमें सबसे पहले डिसहोनरिंग की एंट्री करनी है। डिसहोनरिंग की एंट्री में आपने याद रखना है कि जिससे पैसे लेने हैं उसको डेबिट कर देना है और जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट कर देना है। जो पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज था वो तो उन्होंने बैंक को पैसे वापस कर दिए। अब जो दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर जो फिदा ने लिखा था 18,000 रुपीज़ का, तो अब इसमें अकील जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिदा ने बैंक से उस बिल को डिस्काउंट किया था। अब फिदा ने क्या करना है कि जो डिस्काउंट उसने किया था बैंक से, उसने बैंक को पैसे देने हैं, तो वो किससे लेगा, अकील से। तो अकील को यहाँ पर डेबिट कर देंगे और पैसे देने किसको है, बैंक को। तो बैंक को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डिसहोनरिंग की एंट्री होगी जिसमें अकील डेबिट हो जाएगा, अकील अकाउंट टू देने किसको है, बैंक को, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी है, 18,000 और 18,000। इसकी भी आपने नरेशन यहाँ पर लिख देनी है, बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसहोनर्ड बिफोर ड्यू डेट। एंड लास्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पर आएगी जो अमाउंट 50% उसके स्टेट से रिसीव की गई है उसकी एंट्री अब हमने करनी है। तो एंट्री मैं यहां पर कर देता हूं, हमारे पास और जगह नहीं है। सबसे पहले देखिए कैश उसकी स्टेट से रिसीव हुई, ठीक है, 50%। फिर जो अमाउंट रिसीव नहीं हो सकी उसको हम कहते हैं बैड डेट्स, और यहां पर हमने क्रेडिट कर देना है अकील अकाउंट को। अमाउंट थी 18,000, ठीक है, 50% रिसीव हुई, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 9,000। 9,000 हमने कैश के सामने लिख देना है और बैड डेट्स के सामने भी 9,000 लिखना है, क्योंकि 9,000 हमें रिसीव हो गया और 9,000 बैड डेट्स है। अकील के सामने हमने टोटल अमाउंट लिख देनी है 18,000 की। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास यहाँ पर अकील अकाउंट की, अकील अकाउंट हमने बनाना है फिदा के अकाउंट में से। तो यहाँ पर आप देखिए पहली एंट्री से हम स्टार्ट होंगे। सबसे पहली एंट्री हमारे पास यहाँ पर अकील अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट,
अकाउंट किसका बना रहे हैं, अकील का, उसके उलट क्या है, बिल्स पेएबल, तो उस क्रेडिट हो रही है तो इसको हमने यहाँ पर डेबिट कर देना है, बिल्स पेएबल अकाउंट, अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 12,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अकील का अकाउंट बना रहे हैं उसके उलट बैंक एंड डिस्काउंट है, दोनों डेबिट हो रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट, बैंक के सामने अमाउंट 5,850 एंड डिस्काउंट के सामने है 150। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल टू अकील, अकील का अकाउंट है उसके उलट बिल्स रिसीवेबल है, डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल 18,000। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पर बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पर अकील का नाम नहीं है तो इसको हमने स्किप कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर अकील उसके उलट है बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट, दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट, अमाउंट है 5,850 एंड 150। नेक्स्ट हमारे पास अकील अकाउंट टू बैंक अकाउंट, अकील का अकाउंट बैंक का, अकील के उलट बैंक है, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा 6,000 के साथ, बैंक अकाउंट 6,000। नेक्स्ट हमारे पास बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, स्किप कर देंगे क्योंकि यहां पर अकील का जिक्र नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास अकील अकाउंट उसके उलट है बैंक, क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा 18,000 के साथ, बैंक अकाउंट 18,000। एंड लास्ट हमारे पास यहाँ पर एंट्री है कैश अकाउंट पेड डेट्स अकाउंट टू अकील अकाउंट, अकील का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है उसके उलट जो है डेबिट हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे, कैश अकाउंट एंड पेड डेट्स अकाउंट 9,000 एंड 9,000। जितनी भी इंट्रीज थी अकील अकाउंट की वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी है। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को हमने ऐड कर देना है। हमारे पास यहाँ पर डेबिट को ऐड करेंगे आंसर आएगा 42,000 एंड क्रेडिट को भी जब ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 42,000। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।